श्योपुर में वाल्मीकि समाज द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। हाल ही में हुआ एक दर्दनाक असहनीय हादसा हुआ। चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन जा रही वाल्मीकि समाज की बारात से भरी एक अर्टिगा गाड़ी का कोटा में चंबल नदी में गिरने से वाल्मीकि समाज के 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस मृत्यु को लेकर श्योपुर जिले की वाल्मीकि समाज के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि मरने वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और मरने वालों के परिवार में से एक एक आदमी को नौकरी दी जाए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। सबसे पहले तो नौ मौत हुई है उन पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और निंदनीय घटनाएं सरकार के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण, जो राजस्थान में राजस्थान की सरकार है उसने लापरवाही करते हुए ये घटना घटित हुई है जिसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो नौ मौतें हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए 10 लाख रुपए का और एक एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिसके लिए हमने राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन भी दिया है श्रीमान कलेक्टर महोदय को। और मैं अपील करता हूँ राजस्थान सरकार से कि पहली घटना है ये, आगे जाकर वह सुधार करें और वह ब्रेकेट लगाए जिससे दोबारा और घटना ना हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, कोटा के चंबल जो नहर पे जो घटना घटी है उन पे बेरियर लगाया जाए या डिवाइडर लगा जाए या ऐसी कोई चीज लगाई जाए जिससे कैमरे लगाए जाए जिससे ये घटना दोबारा ना हो सके। हम तो ये आग्रह है कि जो आदरणीय भाई साहब ने बोला उनकी बात पर विचार करें और जो नदी का जो पुल है उसके दोनों तरफ बैरिकेड्स डिवाइडर लगवाए जाएँ ऊँची 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 जिससे गाड़ी कभी भी बाई चांस किसी की गाड़ी टकराए तो नीचे जाने की संभावनाएँ कम रहें। जिस लोगों जैसे 9 लोगों की मृत्यु हुई है, काफ़ी निंदनीय घटना है, उससे लोग आप बचे, कम से कम हाथ पैर ही टूटेंगे, जैसे अपन टकरा जाएंगे तो अपनी शरीर को हानि होगी, जिस प्रकार से आम होते हैं उस प्रकार की जो घटना आगे नहीं होगी।